मैंने सोचा गाइस कि आपके लिए पीवी गुरुकुल की बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको प्लानिंग करना पीवी का, मॉडलिंग करना, ठीक है, टेक लाग ऊपर मॉडलिंग करना, रेवेन्यू स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडलिंग करना, और एनालिसिस करना किसके थ्रू, स्टैट प्रो के थ्रू, ई टैक्स के थ्रू, कैसे एनालिसिस करेंगे, बेसिकली ऑटो कैड, टेक ला और स्टैट प्रो, इन तीनों सॉफ्टवेयर पर कैसे कंप्लीट पीईबी का काम किया जाए। तो आप देख रहे हैं गाइस, आप सबसे मैंने पूछा था कि आप लोगों को क्या बीआईएम गुरुकुल की बैच चाहिए क्या, जिसमें कंप्लीट डिटेल में आप बीआईएम के बारे में सीख पाओ, और उसका 4 मंथ का गुरुकुल प्रोग्राम आप सबने बहुत सक्सेस किया, बहुत से लोगों की जॉब लगी, जितने भी लोगों ने 80% से ज्यादा अटेंडेंस और वर्क किया, आज के टाइम हर कोई एक कंपनी में प्लेस है, सबसे अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप लोगों से मैंने पूछा कि स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच चाहिए क्या, जिसके अंदर मैंने आरसीसी स्ट्रक्चर्स, हाई राइज बिल्डिंग कैसे डिजाइन करेंगे, स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, कैट टेस्ट, सब कुछ प्रिपेयर कराया। स्ट्रक्चर गुरुकुल की बैच को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमेशा जब भी मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ, पहले आपसे वोट करा लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि आपको क्या ऐसा कोई बैच चाहिए क्या। तो आज एक ऐसे ही कुछ और भी मेरे ख्याल दिमाग में आया है, आया तो बहुत दिन से था, आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड पीवी गुरुकुल। ये शायद अब तक का, मुझे नहीं लगता सिविल इंजीनियर इंडस्ट्री में किसी के पास ये होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है, हो सकता हो, आई डोंट नो, बट क्या आपको पीवी गुरुकुल की बैच चाहिए क्या? बोलो सर, इस पीवी गुरुकुल में क्या क्या आप रखोगे? गाइस, जो मैं रखने वाला हूं उसमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्या आपको ऐसा बैच चाहिए, पहले ये कमेंट करिए। आप बोलेंगे सर इसमें ये सिखा दीजिए, हम वो भी कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुकुल के अंदर हमेशा चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं, ऐसा लगता है कि जॉब के लिए ये भी चाहिए, चलो ये भी सिखा देते हैं। फिलहाल अभी हमने जो प्लान किया है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सोचा गाइस कि आपके लिए पीवी गुरुकुल की बैच लॉन्च किया जाए, जिसमें आपको प्लानिंग करना पीवी का, मॉडलिंग करना, ठीक है, टेक लाग ऊपर मॉडलिंग करना, रेवेन्यू स्ट्रक्चर के ऊपर मॉडलिंग करना, और एनालिसिस करना किसके थ्रू, स्टैट प्रो के थ्रू, ई टैक्स के थ्रू, कैसे एनालिसिस करेंगे, बेसिकली ऑटो कैड, टेक ला और स्टैट प्रो, इन तीनों सॉफ्टवेयर पर कैसे कंप्लीट पीईबी का काम किया जाए, क्योंकि ऑटो कैड से आपको प्लानिंग करना होता है इसके अंदर गाइस, ठीक है, स्टैट प्रो से एनालिसिस होती है पूरी पूरी पीईबी की, ठीक है, और टेकला से डिटेलिंग्स होती है गाइस, ठीक है, बट मेरा प्लान है कि टेकला जब करेंगे तो उसके साथ रेविट का स्ट्रक्चर पार्ट भी कर लेंगे, ओनली रेविट स्ट्रक्चर का पीईबी पार्ट, रेविट स्ट्रक्चर का, कोई ये ना सोचेगा कि आरसीसी भी कर रहे सर, रेवी स्ट्रक्चर का पीवी। तो ये तीन बेसिकली सॉफ्टवेयर हैं गाइस, जो कि पीवी में इसमें सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, जो जॉब्स लग रही हैं उनके ऊपर। इन तीनों सॉफ्टवेयर पर मैं चाहता हूं कि आपको पूरी लर्निंग कराई जाए। उसके साथ साथ गाइस, क्योंकि केवल सॉफ्टवेयर से तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसके अंदर जैसे कि आपका स्टैट प्रो, स्टैट प्रो में स्टैटिक इवेंट क्या होता है, डायनेमिक इवेंट क्या होता है, कैसे लगाएंगे, इसमें किस तरीके के मॉडल्स हम लोग कवर करेंगे गाइस, पीवी वेयर हाउस का मॉडल, अभी कोई बैच अलाउंस नहीं हुआ है फेसबुक, आप जो लोग जान लीजिए, जस्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग एग्री होंगे तो इसको हम लोग प्लान में लेके आएंगे। तो स्टैट प्रो के अंदर कैसे हम लोग पीवी वेयरहाउस को डिजाइन करें, कैसे हम लोग एयरक्राफ्ट के हैंगर्स को डिजाइन करें, कैसे हम लोग मेट्रो स्टेशन के जो सेट्स होते हैं उन सेट्स की कैसे डिजाइन करें, पार्किंग के जो बड़े बड़े सेट्स होते हैं, जो मल्टी स्टोरी पार्किंग होते हैं उनके सेट्स को कैसे डिजाइन करें, जो पेट्रोल पंप की कैनोपीज होती हैं उनको कैसे डिजाइन करें, ये सारे जो और भी आप लोग अगर सजेस्ट करोगे तो लोग उस चीजों को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो इन चीजों को कैसे स्टैट प्रो पे एनालिसिस करना होता है, कैसे उसकी डिटेलिंग्स करनी होती है ऑटो कैड के ऊपर, इसकी कंप्लीट बैच, उसके साथ उसका प्रॉपर 3D मॉडल, रेवी स्ट्रक्चर, टेकला स्ट्रक्चर पे कैसे उसका बीबीएस कैसे निकालेंगे, उसका कंप्लीट स्टीमेशन कैसे करेंगे, ये सब कुछ, कनेक्शन डिजाइन कैसे करेंगे, उसका बेस प्लेट, सॉफ्ट ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, असेंबली ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, जीए ड्रॉइंग्स कैसे निकालेंगे, डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हो तो इसका जो लगभग बैच का टाइम जाएगा वो जाएगा गाइस 2 मंथ्स। कितना जाएगा गाइस? 2 मंथ्स, ठीक है, ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा। अब ये मैं अभी मुझे लगता है 2 मंथ्स, कल को ये 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है गाइस, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तब मैं इस पर डिटेल्स सिलेबस बनाऊंगा, अगर आप बोलेंगे तब इसकी शुरुआत करेंगे, और इसका फी भी बहुत नहीं रखेंगे गाइस, वही जो आपके बीआईएम गुरुकुल की जो फी है उसी फी का हाफ। अब बोलोगे सर हाफ क्यों कर रहे हो, 20,000 ही रख दीजिए। नहीं, क्योंकि 20,000 वो 4 मंथ के प्रोग्राम का, इसका 10,000 इसकी फी होगी गाइस। कितनी? 10,000 फी होगी। अभी जो मैंने सोचा है, अगर सिलेबस बढ़ा तो ये एडिट हो सकता है। मैं आपके साथ रॉ बातें कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं सबसे आपको पहले बता देता हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में आया है। अगर आप चाहते हो कि इस चीज पर एक बैच लॉन्च किया जाए, सिलेबस बनाया जाए, तो कमेंट करके बताना कि यस सर, वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस बैच। अगर बोलोगे तो हम लोग प्लान करेंगे। फी भी फाइनल नहीं है, ड्यूरेशन भी फाइनल नहीं है, समय के ऊपर डिपेंड करेगा, और भी कुछ नई चीजें अगर आप लोग बोलोगे तो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। सिर्फ मेरे दिमाग में आया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एकदम रॉ तरीके से, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टील के बारे में, स्टील में भी एक केवल स्टील नहीं, IS 800 के बारे में अच्छे से समझिए,
उसमें भी क्या बोलते हैं, हॉट रोल स्टील क्या होता है और कोल्ड रोल स्टील क्या होता है उसके बारे में समझे, वेव का क्या काम है, फ्लेंज का क्या काम है इसके बारे में डिटेल समझे, पाइप का क्या काम है, कैसे पीवी वर्क करता है, कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर क्या है, पीवी स्ट्रक्चर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनके पैनल्स की कैसे डिजाइन करेंगे, इवे इसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स लगते हैं प्राइमरी मेंबर्स सेकेंडरी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, राफ्टर की डिजाइनिंग कैसे होती है, बहुत कुछ है पीवी एक्चुअली में गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर आप लोग बोलोगे तो इस पर एक कंप्लीट हम लोग क्या बोलते हैं क्लास लेके आएंगे। मैं चाहता हूँ कमेंट भी आप करके, यानी कि टाइम क्या रखना चाहे, आप लोगों को क्या टाइम पसंद सुटेबल रहेगा। मेरे लिए मॉर्निंग का टाइम सुटेबल है और साथ ही साथ इवनिंग का टाइम सुटेबल है, तो जो भी आप सब लोग समय भी बोलेंगे उस समय पर अगर मेरा शेड्यूल फ्री रहा तो उस समय पर इस बैच को लॉन्च किया जाएगा, और आपको जो भी और कुछ सजेशन देना है आप दे सकते हैं, बस आई एम इंटरेस्टेड लिखेंगे, और मैं चाहूंगा कम से कम 100 लोग इस चीज को लाइक करेंगे तब इस बैच को लाना वर्थफुल होगा। स्टील स्ट्रक्चर में कुछ बचेगा नहीं अगर इस बैच को मैं लेके आऊंगा, क्योंकि बीआईएम गुरुकुल में बिलीव करिए आज के टाइम में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं बीआईएम गुरुकुल में नहीं कवर कराता हूँ इंटरव्यू के लिए, सारे टॉपिक है स्ट्रक्चर गुरुकुल में, सारे टॉपिक है स्टील स्ट्रक्चर का जो कोर्स आएगा तो सारे टॉपिक्स आएंगे। आपके सजेशन से आपके राय से आप जो ऐड कराओगे वो ऐड करेंगे, जो कहोगे वो रिमूव करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेस पर ये सिलेबस स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम हमने लगभग 2 साल पहले इस बैच को लॉन्च किया था सक्सेसफुली, लेकिन तब गुरुकुल प्रोग्राम नहीं था क्योंकि तब बैचेस डायरेक्ट होती थी तो उस तरीके प्रोग्राम था, बट ये गुरुकुल प्रोग्राम में क्या होगा गाइस, कुछ चीजें रिकॉर्डिंग होंगी कुछ चीजें लाइव होंगी क्योंकि बड़ा सिलेबस करेंगे ना, तो इस तरीके से अगर आप लोग कमेंट करते हैं। ऑटो कैड भी केवल ऑटो कैड, वो नॉर्मल ऑटो कैड नहीं सिखाया जाएगा, इसमें पीवी से रिलेटेड ऑटो कैड, स्टेट प्रो में भी नॉर्मल स्टेट प्रो नहीं, उसके लिए फिर आपको स्ट्रक्चर गुरुकुल या फिर ऑल इन वन के थ्रू जाना पड़ेगा। इसमें स्पेशली पीवी पर डिस्कस करेंगे, पीवी कवर कैसे करें, टेकला पर भी पीवी कवर कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, साथ ही साथ बताइए तो न्यू बैच जल्दी से जल्दी आप सबके लिए लॉन्च कर दिया जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। कमेंट करना न भूले, उसी के बेस पर पीवी गुरुकुल का ये जो ख्याल है ये हकीकत में बदलेगा गाइस।